हेलो फ्रेंड्स, खमा घणी, वेलकम बैक टू स्वादों से है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। बहुत ही आसान है और पीते ही आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर देगी। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन मोहितो। तो चलिए शुरू करते हैं वाटरमेलन मोहितो बनाना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाटरमेलन मोहितो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तरबूज लिया है, और तरबूज को थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़ों में काट लें। बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको हमें ब्लेंड करना है। तो अभी जो तरबूज है इसको हम डालेंगे एक ब्लेंडर जार के अंदर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 20-25 पुदीने की पत्तियाँ। और अब इसको हमें ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसको हमें पीस लेना है। तो यहाँ देखिए, तरबूज और पुदीने को ब्लेंड कर लिया है मैंने, और पूरा रस जो है पानी बन चुका है तरबूज का। अब इसको हम छानेंगे, तो किसी भी जार में या किसी भी बोल में आप इसको छान लें। तो देखिए, तरबूज का पानी हमने छान लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसमें वेस्टेज निकला है, क्योंकि तरबूज में 90% वाटर कंटेन होता है, पल्प बहुत ही कम होता है इसमें। तो आप देखिए, जो तरबूज मैंने लिया था सारा का सारा उसमें पानी निकला है, ये बहुत कम, लगभग 2 चम्मच के आसपास इसमें वेस्टेज निकला है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अभी जो तरबूज का रस है इसके अंदर हमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, साथ ही इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड कर देंगे, और 1/2 चम्मच इसके अंदर काला नमक ऐड करेंगे, एक नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर। सभी मसालों को मिक्स कर लें। चलिए अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम ग्लास के अंदर। ऊपर से इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई बर्फ़ ऐड कर देंगे ताकि एकदम चिल्ड हो जाए। तो जितना चिल्ड आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दें। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां काट कर डाल दें इसके अंदर। तो ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड वाटरमेलन मोहितो बनकर के तैयार हो गया है। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है, क्योंकि इसके अंदर तरबूज की मिठास है, नींबू का खट्टापन है, और साथ ही काले नमक जीरे का बहुत ही बढ़िया स्वाद है। तो आप ही ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत ही तरोताज़ा महसूस करवाएगी आपको, बहुत आसान है, बच्चों को भी पिलाइए, आप भी पीजिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी कुकिंग।